आज दादी का घर पे श्राद्ध होना था, इस वजह से हम लोग भी घर गए हुए थे और सारे लोग आए भी थे जो भी फैमिली के थे सारे लोग। और हाँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो जो है ना वो 7 तारीख का है, मतलब दादी का श्राद्ध 7 तारीख को हुआ था। और काफ़ी ज़्यादा वीडियो लेट अपलोड हो रही है क्योंकि टाइम नहीं मिला, फिर मेरी तबीयत भी नहीं थोड़ी सी सही थी जब मैं वहाँ से आई हूँ, फिर यहाँ पर आके मैंने वीडियो एडिट किया, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज यहाँ पर दादी की पूजा हो रही थी और ऊपर पूजा हुई थी जो भी था, और ऐसा कुछ था कि 3 साल में जो भी पुरखे वगैरह होते हैं ना उनसे मिलाया जाता है, तो वही सब पंडित जी कर रहे थे और पापा वो बैठे हुए थे, चच्चू इसकी पूजा कर रहे थे क्योंकि शायद ऐसा कुछ था कि बड़े लड़के या छोटे लड़के को करना रहता है, तो चच्चू ने इसकी जो भी थी पूरी पूजा वगैरह वो चच्चू ने ही की थी, जो भी पंडित जी मिला विला रहे थे पुरखों से वही सब हो रहा था। यहाँ पर सारी पूजा पाठ चल रही थी इस तरीके से। पीछे आकर देखा तो खाना वगैरह बन रहा था, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। यहाँ पे खीर बनी थी, इतना टेस्टी खाना बना था और सबसे ज़्यादा टेस्टी इसमें खीर बनी थी, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही अच्छी खीर थी, खाना सारा ही बहुत अच्छा बना हुआ था। तो ये जो गली है ना हम लोगों के घर के बाहर, वहीं पर ही हलवाई लगे हुए थे, वहीं सारा कुछ खाना वगैरह बना हुआ था क्योंकि काफ़ी लोग थे इस वजह से। और यहाँ पर पापा ये रहे और पूरा खाना बहुत अच्छे से बना था। और फिर मैं जब अंदर गई तो देखा सारे लोग आ भी रहे थे, कुछ गेस्ट वगैरह थे जो आए थे वो आ रहे थे, और यहाँ पे ये रहा मामा, मतलब लोगों के लगते हैं मामा हैं, और यहाँ पे मम्मी चाची को कुछ दे रही थी। अच्छा, इसमें एक सबसे अच्छी बात ये हुई कि पीहू ना सो के उठी थी, और पीहू सुबह से काफ़ी देर से सो रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब सारा काम हो चुका था अच्छे से ही। और पीहू को फिर दूध वगैरह दिया और उसको रेडी करके ऊपर ले गए थे क्योंकि वो सोकर उठी थी तो भूख भी लगी थी उसको इस वजह से। और वो जाके यहाँ दादी के पास बैठी, ये भी दादी हैं हमारी और ये दादी बाबा हैं, और यहाँ पे पूजा चल रही थी, अभी पूजा ख़त्म नहीं हुई थी, काफ़ी देर तक पूजा हुई थी जो कुछ भी। और यहाँ पे सच में बहुत बड़ी गलती ये हो गई थी कि पूजा के बाद जो भी सारा कुछ हुआ ना वो बिल्कुल याद ही नहीं रहा शूट करने का, तो वो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, तो यहीं तक का मेरा वीडियो था। तो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना, वीडियो पसंद है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।